जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में हमने सब्सिडरी बुक का पार्ट वन किया था और उसमें हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कर लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट के अंदर जर्नल प्रॉपर करने वाले हैं। अब जर्नल प्रॉपर होता क्या है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। पहले आप ऐसा समझिए कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम ऐसे तीन कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है कि वो चीज़ें जो सिर्फ बुक में जाएंगी, ठीक है, वो ऐसे आइटम जिनके बुक और लेजर दोनों होते हैं, ठीक है, और वो जिनके सिर्फ लेजर होते हैं, कोई बुक नहीं होती। तो ऐसी क्या चीज़ें जिसकी सिर्फ बुक बनती है, तो अगर मैं बात करूँ कैश बुक, कैश बुक इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कैश और बैंक कॉलम, ध्यान है आपको। तो कैश और बैंक जब भी आपको कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि वो कैश बुक का पार्ट होता है और उसकी सिर्फ बुक बनती है, यानी फिर उसका लेजर नहीं बनता। क्या कहा मैंने, उसका लेजर नहीं बनता। एक बार आप बुक बना लेते हो फिर आप लेजर क्यों बनाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन आपने कैश के ट्रांजेक्शन एक जगह डाल दी तो वो कैश बुक में आ गई, तो फिर अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है कि आप उसके लिए लेजर में भी डालें। सेम ट्रांजेक्शन के लिए आप दो दो बार थोड़ा डालोगे, ठीक है। अब आ जाओ ऐसी चीजें जिनके बुक भी बनती है और लेजर भी बनता है, परचेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, एनबीपी। मैंने यहां जितनी भी आइटम्स लिखे हैं ये, इनकी बुक्स भी बनती हैं और इनके लेजर भी बनते हैं। ये गलत नहीं है अगर मैं कहूं कि बेटा परचेज बुक भी बनती है। हाँ सर, आपने पिछली वीडियो में तो बताई थी। और बेटा परचेज का अकाउंट भी बनता है, अकाउंट का मतलब होता है लेजर, ठीक है, यानी परचेज की बुक भी होती है और परचेज का लेजर भी होता है, अकाउंट भी होता है। कुछ ट्रांजेक्शन, सम ट्रांजेक्शंस will go to purchase book and few transactions, some transactions will go to purchase account. अब कोई भी अगर जर्नल बन के आता है, कोई भी एक जर्नल बन के आ जाए, तो हमें पहचानना होगा कि वो परचेज बुक है या वो परचेज लेजर है, बुक है या लेजर है। ऐसे ही सेल्स बुक है या सेल्स लेजर है, कैसे पता लगेगा, अगर इनके साथ में किसी भी नेचुरल पर्सन का यूज हुआ है, यानी किसी का नेम आया है, तो समझ जाना वो परचेज बुक में होगा। और अगर नाम नहीं आ रहा तो वो परचेज अकाउंट होगा। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ। सपोज मैं एंट्री पास कर रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने लिख दिया राम। अब हमें पता है परचेज के साथ में राम ये एक नाम आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो परचेज है ये बुक का काम है, यानी ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, ये वाली जर्नल जो है, ये परचेज की बुक में जाएगी। ऑन दी अदर साइड अगर मैं सपोज एंट्री पास करता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अब यहां पर कोई नाम नहीं आ रहा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो ये वाला जो परचेज होगा वो एक अकाउंट होगा, यानी वो लेजर में जाएगा, ये वाली एंट्री आपकी बुक में नहीं जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर मान लो सपोज मैं एक एंट्री पास करता हूं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और मैं आपसे पूछूं बेटा ये जो परचेज है ये बुक की तरफ इशारा कर रहा है लेजर की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप सिर्फ इतना से देखना कि इस एंट्री में किसी का नाम आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर नाम तो नहीं आ रहा, तो बेटा ये फिर परचेज बुक नहीं हो सकती, ये अकाउंट होगा। कैसे याद रहेगा, आपकी बुक होती है ना, अकाउंट्स की बुक, मैथ्स की बुक, ईको की बुक, बिजनेस की बुक, उन सब पे क्या लिखा होता है, नाम। तो जहाँ नाम लिखा होता है वो याद रखना बुक होती है, और अगर नाम नहीं आ रहा तो याद रखना फिर वो क्या है, अकाउंट है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी, सब पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जिनका भी मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, मैंने किसका इसके बारे में बात की, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, अदर देन दीज एट आइटम्स, अदर देन दीज एट आइटम्स जितने भी होंगे वो सबका अकाउंट बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा ड्रॉइंग्स, क्या ड्रॉइंग्स इनमें कहीं आया, नहीं आया, क्या ड्रॉइंग्स यहां पर कहीं जिक्र हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब उसका सिर्फ लेजर बनता है, ठीक है। राम, क्या राम कैश बुक में कहीं आया, नहीं सर, कैश बुक तो कैश और बैंक होता है। क्या राम परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, बीआरबीपी, यहां कहीं नाम, मैंने यहां राम लिखा है, नहीं, इसका मतलब राम का क्या होता है, अकाउंट होता है। तो ऐसे पता लगता है कि हमें लेजर है या बुक है। तो एक बार चलो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ये जानने के लिए कि वो बुक होगी या लेजर होगा। गाइस, जर्नल प्रॉपर को सीखने के लिए, करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि कोई भी आइटम बुक में जाएगा लेजर में जाएगा। जैसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अब हमें पता है परचेज की बुक भी होती है और परचेज का लेजर भी होता है, ठीक है।
परचेज की बुक भी होती है और परचेज का लेजर भी होता है। डिपेंड करता है उसके साथ में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ सर नाम आ रहा है, तो इसका मतलब नाम आ रहा है तो इस समय ये परचेज की बुक कहलाएगी, ये परचेज का लेजर नहीं है। तो परचेज तो आइडेंटिफाई हो गया बुक है। क्या राम की कोई बुक होती है? नहीं होती सर, क्योंकि बुक तो सिंपल सी कौन कौन सी होती है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी और कैश बुक, तो यानी राम का ये लेजर है। तो परचेज एक बुक है और राम क्या है, लेजर है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अगला देखो, लॉस बाय थेफ्ट, क्या ये कोई बुक है? नहीं सर, इस नाम की तो बुक ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है आठ ही चीजें होती हैं जो बुक होती है, कौन कौन सी गिन लो एक बार, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी, कैश बुक और एक जनरल पेपर। तो यहां तो उनमें तो किसी लॉस बाय थेफ्ट का नाम नहीं आया, यानी एक लेजर है। परचेज सर यहां पर परचेज बुक या लेजर में से लेजर है, क्योंकि कोई नाम नहीं आ रहा। ठीक है, और कैश, कैश हमेशा बुक होती है। अच्छा, कैश सर ये हमेशा बुक होगी। सेल्स सर, सेल्स बुक और लेजर दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेल्स के साथ में नाम नहीं आ रहा तो ये लेजर हो गया। ठीक है, बैंक सर बैंक हमेशा बुक होगा, क्योंकि कैश बुक का पार्ट होता है ये। डिस्काउंट अलाउड सर ये लेजर है, किसी बुक का नाम नहीं है। सेल्स सर यहाँ पर ये लेजर का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ नाम नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ सैलरी अकाउंटेबल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कोई बुक है क्या? नहीं सर, ये लेजर है। ये कोई बुक है? नहीं सर, ये भी बुक नहीं है, क्योंकि बुक तो हमारी गिनती की वो सात आठ बुक्स है हमारे पास, तो ये भी लेजर है। ड्रॉइंग्स, ये लेजर है। इंटरनल ड्रॉइंग, ये भी लेजर है। कैश, ये बुक है। कैपिटल सर, ये लेजर है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सर फिर क्या होगा, आइडेंटिफाई कर लिया? देख बेटा ध्यान से, आइडेंटिफाई अगर तूने कर लिया, जिस भी जर्नल के अंदर डेबिट में और क्रेडिट में दोनों तरफ लेजर हो, समझ जाना वो वाली एंट्री अलग से उठा के एक जर्नल के फॉर्मेट में ट्रांसफर करनी है, बस उसका नाम लिख देना है जर्नल प्रॉपर, दैट्स इट। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर में कुछ स्पेशल और सेलेक्टेड जर्नल एंट्रीज आती हैं। कौन सी? जो किसी भी सब्सिडरी बुक में ना आए। वो जर्नल जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आती, किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आती, वो चली जाती है कहां पर? जर्नल प्रॉपर में। आई होप दिस इज क्लियर। ट्रिक मैंने बता दी, जहां दोनों तरफ क्या आ रहा हो, लेजर और लेजर, और ये आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने को। जैसे पहली एंट्री देखो, परचेस टू राम, ये नहीं आ सकती जर्नल प्रॉपर में। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सर एक तरफ बुक आ रहा है, तो उसको छोड़ दो। अच्छा यहां पर देखो, इसमें ये वाला जो पार्टन है लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक तरफ लेजर है एक तरफ कैश है। लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, 1500 1500, तो 1500, ये वाला पार्ट 1500 वाला पार्ट, इसमें से 1500 वाला पार्ट लेजर और लेजर दोनों है, तो ये वाला पार्ट कहां पर लिखा जाएगा? जर्नल पेपर में। तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे और उसमें ये वाला पार्ट लिख दोगे। अच्छा कैश टू सेल्स क्या लगता है, ये जर्नल पेपर में आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ बुक आ रहा है। अच्छा इसमें से सर ये बैंक वाला पार्ट तो नहीं आएगा, यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कौन सा वाला पार्ट आएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, और जो कम वाला अमाउंट है वो लिख दो, 500 वाला 500 वाला, ये लिख दो। ये वाली एंट्री जर्नल पेपर में आएगी। अच्छा ये, हाँ सर ये पूरी की पूरी आ जाएगी। ये, हाँ सर ये भी आएगी, दोनों तरफ लेजर है। ये नहीं आ सकती, एक तरफ बुक है और एक तरफ लेजर है, तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जर्नल पेपर था क्या बेसिकली? जर्नल प्रॉपर एक फॉर्मेट है जर्नल का। ये देखो गाइस, ये हमारा जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट, जैसे जर्नल एंट्री का होता है, बस हेडिंग हमने लिख दी जर्नल प्रॉपर। अब अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर एक एंट्री लिख रहा हूं, तो आप बताना कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। सपोज मैं एंट्री पास करता हूं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, और मैं कहता हूं ये हमारा जर्नल प्रॉपर में आया है, तो क्या ये लिखना सही है? बस इतना देख लो कि ये बैड डेट्स और मोहन, इनमें से कोई बुक तो नहीं है। बैड डेट्स ये लेजर होता है, मोहन ये भी लेजर है, इस नाम की कोई बुक नहीं होती। तो सर बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अगर मैं रादर ऐसा लिखता, सपोज कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन ने हमें 9000 दे दिया, मोहन जिससे हमने 10000 लेना था वो 9 दे रहा है, और 1000 हमें मना करता कि मैं तो दूंगा ही नहीं कभी भी, मेरे पास है ही नहीं, तो वो हमने बैड डेट्स कर दिया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैंने ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में लिखी, तो सही है ये गलत है? क्या लगता है? बिल्कुल, अगर जिसने सोचा ये गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये वाला पार्ट लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश क्या होता है? एक बुक होता है। ये और ये तो लेजर है, लेकिन ये गलत है, तो यहां से कैश वर्ड नहीं आएगा, और यहां मोहन में से भी उसका 9000 हट जाएगा, 1000 आएगा, तो बैटर टू मोहन, ये सही है। अगर लास्ट में अगर सपोज आपको ये लिख के दे दूं, मैंने आपको बोला प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ये यहां पर लिखना, जो भी अमाउंट है, एक्स एक्स ले लेते हैं, जो भी अमाउंट है, आपको क्या लगता है ये यहां पर जर्नल पेपर में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल सही है।
तो ये लेजर है और ये लेजर है जिसने कहा था कि ये आएगा, बिल्कुल सही कहा। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है? जर्नल प्रॉपर बेसिकली एक बुक है, जर्नल प्रॉपर एक सब्सिडरी बुक का पार्ट है। किसका पार्ट है? सब्सिडरी बुक का। इसमें कुछ सेलेक्टेड जर्नल आती हैं, वो जर्नल जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जा रही वो इसमें आ जाती है, ठीक है? विच डज नॉट इफेक्ट एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक हमें पता है कौन कौन सी होती है? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी एंड कैश बुक। उनमें नहीं आएगी तो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अब आपको एक काम दे रहा हूँ, आपकी पास बुक होगी, आपके पास जर्नल्स में इलस्ट्रेशन होंगे, उनमें जर्नल में जाइए, जर्नल बनी भी होगी, और सेलेक्ट करके कोई 10 ऐसी डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट जर्नल मुझे बताइए जो आपको लगता है जर्नल पेपर में आनी चाहिए। टेक केयर गाइस, आप थे गौरव सर के साथ और हम पढ़ रहे थे जर्नल प्रॉपर। बाय बाय।